माफ कीजिएगा, दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं बिना खटखटाए आपके कमरे में आ गया। चौधरी साहब, ये आप ही का घर है, आप कहीं भी बिना रोक टोके आ जा सकते हैं। आप फिक्र न करें, जल्दी ये हक आपको भी मिल जाएगा। अरे कौन सी किताब पढ़ रही है? दिल ही दिल में, बड़ी अच्छी किताब है, मैंने रखवाई थी। जी जी हाँ, आपकी तालीम कैसे चल रही है? जी बहुत अच्छी। हम चाहते हैं कि आपको और भी तालीम दिलवाएं। वो उस दिन मुशायरे में साहब आए थे ना, असरार चंदेरवी साहब, जिन्होंने बहुत ही उमदा शेर पढ़ा था। अरे जो बीच मुशायरे में रहमत मियां के साथ आए थे। जी हाँ जी हाँ। हाँ तो हम चाहते हैं कि गुल साहिबा की तालीम के साथ साथ वो भी आपको तालीम दे। जी किस तरह की तालीम? कैसे कहूँ, दिल की बात कहीं दिल ही में ना रह जाए, ज़बान पर कैसे लाऊं? इश्क की, प्यार मोहब्बत की तालीम। हमारा ख्याल है कि इस किस्म की तालीम शादी के पहले हर किसी को लेनी चाहिए। अब बुरा तो नहीं मान रहे, असरार साहब लखनऊ में बीवियों के मदरसा के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। क्या? जी हाँ, देखा आप भी चौंक गए ना, इतनी छोटी सी उम्र पे कितने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। आपको एतराज तो नहीं है ना? अब यार रहना ही है तो तालीम तो हासिल ही करनी होगी ना। शुक्रिया शुक्रिया, हमने रहमत मियां को भेजा है असरार साहब से बात करने के लिए। पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। तो अब समीर साहब असरार साहब हो गए हैं।